नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। जब हरियाणा चुनावों का ऐलान हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले ऐसा बड़ा उलटफेर होगा कि भाजपा का मोहरा कांग्रेस के हुक्म का इक्का बन जाएगा, यानी कि अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में लौट जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के आखिर दिन जब राहुल गांधी महेंद्रगढ़ में रैली पर पहुंचे तो खबर आई कि राज्य में अशोक तंवर कांग्रेस में वापसी करेंगे। तंवर ने जिस तरीके से कांग्रेस में वापसी की उससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दौरे में ये नैरेटिव तोड़ने में सफल होती दिख रही है कि पार्टी दलित विरोधी है। ऐसे में जो पार्टी मिर्चपुर जैसे कांड को फिर से उठा रही है, अशोक तंवर बीजेपी में दलित चेहरे के तौर पर मंच पर थे। ऐसा नहीं था कि पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही थी, उनकी नायक सैनी के साथ सीधा उनका एक्सेस था। ऐसे में जब हरियाणा में वोटिंग के कुछ घंटे पहले बचे तब राजनीतिक हलकों में अशोक तंवर ने पलटी मारने को लेकर खूब चर्चाएं बटोरी। इतना ही नहीं, सिरसा और आरक्षित सीटों पर समीकरण गड़बड़ा गया। ऐसे में सवाल भी है कि आखिर किसने हरियाणा चुनाव में आखिरी समय में लिखी तंवर के घर वापसी की कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनकी कांग्रेस वापसी कैसे हुई इसको लेकर चर्चाएं तेज है। सूत्रों का कहना है कि तंवर की कांग्रेस वापसी में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने मुख्य भूमिका निभाई। अजय ललित माकन के भतीजे हैं, ललित कांग्रेस के बड़े नेता रहे, शंकर दयाल शर्मा के दामाद थे, वो दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। ललित माकन की 1994 में कथित तौर पर सिखों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ललित की बेटी अवंतिका माकन उस वक्त छोटी थी, इस वजह से अजय माकन को ललित की विरासत मिली। इसके बाद अवंतिका माकन यूथ कांग्रेस में आई, तब तक अजय का कद बढ़ चुका था। आखिर में अवंतिका ने अशोक तंवर से शादी करके राजनीति से काफी हद तक दूरी बना ली। हालांकि ललित की विरासत को लेकर अजय और अवंतिका में विवाद की खबरें आती रहीं। अब कांग्रेस में अजय माकन बहुत आगे निकल चुके हैं, शैलजा की नाराजगी से जोड़कर बीजेपी के कांग्रेस के दलित विरोधी एजेंडे की हवा निकालने के लिए हरियाणा के पर्यवेक्षक के तौर पर उन्होंने रिश्तों की बर्फ को पिघलाया। उधर अशोक तंवर भी कांग्रेस में राहुल के करीबी होने का जलवा देखने के बाद बाहर जाकर आर्श से फर्श पर ही थे। कांग्रेस छोड़कर वो टीएमसी गए जहां उनके लिए नतीजा काफी बेकार रहा। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, वहां भी उनकी सियासत का हाल ढाक के तीन पात जैसा रहा। फिर 2024 में बीजेपी में गए, सिरसा से शैलजा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अशोक तंवर की भी दुखती रख थी। कांग्रेस में तंवर राहुल के करीबी माने जाते रहे हैं। साल 2019 में सिरसा में लोकसभा सांसद रहे थे, 5 साल हुड्डा विरोध के बावजूद राहुल के वोटों से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे। बस अजय माकन ने अशोक तंवर की दुखती हुई रख पर अपना हाथ फेर दिया और रिश्तों का वास्ता दिया और आलाकमान को दलित मसले पर मास्टर स्ट्रोक की तरह इस मुहिम को पेश किया। इसके बाद तंवर की कांग्रेस में वापसी की हरी झंडी तय हो गई। देखा जाए तो फिलहाल ये बात से कोई मुंह नहीं फेर सकता कि अशोक तंवर कहने को तो दलित नेता हैं पर ना आर्थिक दृष्टिकोण से और ना ही सामाजिक दृष्टि से उन्हें कोई दलित कह सकता है। बस चुनाव लड़ने के सुरक्षित सीट के लिए हथियाने के लिए वो दलित हो जाते हैं। दलित चेहरे के नाम पर ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में उन्हें तवज्जो मिलती रही है और वो अच्छी खासी जगह बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। बस इसी लिहाज से कांग्रेस ने ये जंग जीत ली है। एक बार फिर से उनको एक बड़ा दलित चेहरा मिल गया। हालांकि हरियाणा में इसका क्या असर होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।